बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम फिज़िक्स का यूनिट 3 डायनेमिक्स कर रहे हैं और आज हम उसमें करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्व मींस कांस्टेंट और नॉट चेंजिंग। अगर कोई चीज़ मुस्तकिल हो, तब्दील ना हो, तो हम उसे कहते हैं कंजर्व्ड। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। अल्लाह ताला कुरान जीत में कहते हैं बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। हम कुरान मजीद की तलावत बगैर सोचे समझे करते हैं कि अरबी हमारी ज़बान नहीं है, तो हमें समझ कर पढ़ना चाहिए। उसके लिए हमें तर्जमे के साथ कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए ताकि हम उस पर तदब्बर कर सकें और उस पर अमल कर सकें। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लॉज इन फिजिक्स इज द लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। फॉर अ कुलियन अकरिंग बिटवीन ऑब्जेक्ट वन एंड ऑब्जेक्ट टू इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं तो टोटल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर द कुलियन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द कुलियन। इसका ये मतलब है कि जब दो अजसाम टकराते हैं तो मोमेंटम में कोई तब्दीली नहीं आती। मोमेंटम बिफोर कुलियन टकराने से पहले और मोमेंटम आफ्टर कुलियन मोमेंटम टकराने के बाद, दोनों बिल्कुल एक जितने होते हैं। मोमेंटम कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मोमेंटम को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इन अकॉर्ड विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हम एक एयर फिल्ड बैलून का सिस्टम पे गौर करते हैं। द बैलून एंड एयर इन साइड इट फॉर्म अ सिस्टम। बैलून और उसके अंदर जो हवा है वो एक सिस्टम बनाते हैं। द सिस्टम वॉज एट रेस्ट हेंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वॉज ज़ीरो। जब बैलून जो है वो रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो है। एज सून एज द बैलून इज सेट फ्री एयर एस्केप्स आउट ऑफ इट विद सम वेलोसिटी। जैसे ही हम बैलून को खोलते हैं तो हवा उसमें से एक वेलोसिटी के साथ बाहर निकलती है। द एयर कमिंग आउट ऑफ इट पोजेसेस मोमेंटम, क्योंकि जब हवा तेज़ी से बाहर निकलती है तो वो मोमेंटम रखती है। टू कंजर्व मोमेंटम द बलून मूव्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ एयर रशिंग आउट। मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए बैलून हवा की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। अब हम एक और सिस्टम पे गौर करते हैं। ऑफ टू स्फीयर्स, टू गोले हैं, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। उनकी इनिशियल वेलोसिटीज जो हैं वो u1 और u2 हैं, दो मैसेज हैं। u1 इज ग्रेटर देन u2। स्फीयर ऑफ मास m1 अप्रोचेस द स्फीयर ऑफ मास 2 एज दे मूव। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 इज इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी और इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 इज m2 बाय इट्स वेलोसिटी। तो अगर हम टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कुलियन, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के टकराने से पहले अगर हम टोटल मोमेंटम निकालें तो वो m1 u1 प्लस m2 u2 होगा। दोनों स्फीयर्स का मोमेंटम प्लस करेंगे तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा एट कुलियन। अब दोनों स्फीयर्स का टकराव होता है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन m2 एग्जर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स ऑन m1। m2 जो है वो m1 के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करता है। अब उससे क्या होता है कि आफ्टर कुलियन उनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाती हैं। v1 हो जाती है m1 की और v2 हो जाती है m2 की। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 इज इक्वल टू m1 इंटू v1
और फाइनल मोमेंटम ऑफ एम टू इज इक्वल टू एम टू मल्टीप्लाइड बाय वी टू। उसके बाद हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन इज मोमेंटम ऑफ एम वन मैस और मोमेंटम ऑफ एम टू मैस को जब हम करेंगे प्लस तो हमारे पास, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ कोलिजन सिस्टम आफ्टर कोलिजन। अब हम एक और सिस्टम कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, गन और गोली का। बिफोर फायरिंग द गन बोथ गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो। फायर करने से पहले गन और बुलेट दोनों ज़ीरो पे होती हैं तो इसलिए टोटल मोमेंटम भी ज़ीरो पे होगा। एज द गन इज फायर्ड बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर मोमेंटम। जैसे ही हम गन को फायर करते हैं बुलेट उसमें तेज़ी से निकलती है और एक मोमेंटम हासिल कर लेती है। टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम गन रिकॉइल्स, तो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम प्रिजर्व करने के लिए गन रिकॉइल करती है। रिकॉइल का मीनिंग देखते हैं, रिकॉइल इज पीछे हटना। व्हेन फायर्ड वी फायर्ड द गन्स इट इज प्रोपेल्ड बैकवर्ड, जब गन से फायर किया जाता है तो गोली आगे को तरफ जाती है और गन थोड़ी सी पीछे को हरकत करती है, इसको रिकॉइल कहते हैं। When a bullet is fired from a gun, the gun exerts a force on the bullet in the forward direction. This is the action force. The bullet also exerts an equal force on the gun in the backward direction. This is the reaction force. So, velocity जो है on firing, bullet की जो है वो mass m की v velocity होती है और mass of the gun जो है वो m है और recoil velocity अपोजिट डायरेक्शन में वी होती है। अब हम मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर द गन इज फायर्ड इज इक्वल टू एम वी प्लस वेलोसिटी एंड मैस ऑफ द बुलेट। तो आप देखें कि मैस जो है गन का बुलेट की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर गन इज फायर्ड। तो हमारे पास v जो है इससे हम वेलोसिटी ऑफ द गन जो है वो रिकॉइल की फाइंड आउट कर सकते हैं, और मनफी नेगेटिविटी का निशान ये बताता है कि गन की वेलोसिटी बुलेट के मुखालिफ सिमत है, यानी मैस ऑफ द गन इज मच लार्जर देन द बुलेट, रिकॉइल इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। आपको पता है कि बुलेट तो चलते हुए नज़र भी नहीं आती लेकिन गन की वेलोसिटी जो है रिकॉइल की बहुत थोड़ी होती है। यही प्रिंसिपल जो है वो रॉकेट्स के ऊपर भी अप्लाई होता है। हॉट गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल रश आउट विद लार्ज मोमेंटम, द रॉकेट गेन एन इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम, जिससे वो आगे को बढ़ता है। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमारे पास बुलेट का मास 20 kg है, उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, मास ऑफ द गन 5 kg और हमने रिकॉइल ऑफ गन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स इक्वल करते हैं, तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो मास ऑफ द बुलेट जो है वो हमारे पास आ जाता है 20 डिवाइडेड बाई 1000.02 kg। तो हम ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, मैस ऑफ द बुलेट 0.02 kg, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड और मैस ऑफ द गन जो है वो 5 kg है और हमने रिकॉयल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। हम अभी थोड़ी देर पहले रिकॉयल वेलोसिटी मालूम करने का फार्मूला फाइंड आउट कर चुके हैं कि रिकॉयल वेलोसिटी इज इक्वल टू मैस ऑफ बुलेट इंटू velocity divided by mass of the gun। हम इस फार्मूले में values प्लेस करते हैं, mass of the bullet and its velocity divided by mass of the gun।
तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड जो है वो रिकॉयल वेलोसिटी है, क्योंकि इट इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन है ऑफ द मजल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।